हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार सिटी पनाई डिवाइन हीलर। सो गाइस, जैसे आपने देखा होगा, आज हम अनएक्सपेक्टेड की रीडिंग करने वाले हैं। अचानक से आपकी ज़िंदगी में क्या होगा अपकमिंग डेज के लिए, ओके? और यहाँ पे मैंने आपके नेम के इनिशियल्स रखे हैं। जो भी आपके नेम के इनिशियल रहेंगे गाइस, वो आपको पिक करना है और टाइम स्टैम्प पे जाके आपकी रीडिंग चेकआउट करनी है, ओके? और उससे पहले ना, मैं यहाँ से कुछ एनर्जी, ओरेकल एनर्जी से भी कार्ड्स लेने वाली हूँ आपके लिए, सो दैट ये आपके लिए थीम रहेगा, ओके? अनएक्सपेक्टेड की। सो अनएक्सपेक्टेड क्या होगा आपके ज़िंदगी में अपकमिंग डेज के लिए, फॉर पाइल नंबर वन एंड फॉर पाइल नंबर टू। सो पाइल नंबर वन के लिए ये कार्ड है गाइज, एंड पाइल नंबर टू के लिए है ये कार्ड, ओके? सो अभी आप टाइम स्टैम में जाके आप अपनी रीडिंग चेकआउट कर सकते हो, ओके? सो शुरू करते हैं पाइल नंबर वन, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड पे है। हेलो, मैं पाइल नंबर वन पीपल। तो अगर आपने पाइल वन चूज करी है गाइज, अगर आपके नेम के इनिशियल्स पाइल नंबर वन में आते हैं, तो चलिए देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, अचानक से आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है आने वाले दिनों के लिए, ओके? यहाँ पर मैं रख देती हूँ सो दैट ये आपको विजिबल रहे, पाइल नंबर वन, ओके? सो ये मैंने पहली दफ़ा आपके लिए एक थीम कार्ड निकाला था, और चलिए देखते हैं कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड यहाँ से क्या रहेगा एनर्जी ओरेकल से, ओके? सो पाइल नंबर वन के लिए क्या है यूनिवर्स, या इट्स हैप्पी फैमिली। सो पाइल नंबर वन जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है, मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में ना, आप एक फैमिली चाहते थे, या फिर एक ऐसा पार्टनर का वेट कर रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में बच्चे के लिए वेट कर रहे हो, या फिर ना बच्चे के एजुकेशन के लिए वेट कर रहे हो, एक हैप्पी फैमिली आप चाहते हो, और कहीं ना कहीं यही आपको अपकमिंग डेज में मिलने वाला है, और वो भी अचानक रहेगा गाइस, अचानक, ओके? अचानक कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, अचानक कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, अचानक कोई आपको लव प्रपोज कर सकता है, ओके? लव ऑफर दे सकता है, या फिर ना लव का कमिटमेंट दे सकता है, ओके? तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे ये मैसेज मिल रहा है पाइल वन के लिए कि हो सकता है कि आप लोग ना बड़ा ही बेसब्री से वेट कर रहे हो, एक हैप्पी फैमिली के लिए वेट कर रहे हो, ऐसा पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी कंप्लीट कर देगा, ओके? तो कहीं ना कहीं पाइल वन के लिए मुझे यही मैसेज भी मिल रहा है, और ये कार्ड भी आपको गवाही दे रहा है कि यस, आप जिस हैप्पी फैमिली के लिए वेट कर रहे थे, या फिर किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, या फिर बच्चा कंसीव करने के लिए वेट कर रहे थे, या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आप ना बहुत ही ट्राई कर रहे थे, या फिर ना बहुत ही मशक्कत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीट हैप्पीनेस आपके दरवाजे पे आने वाली है, जो कि अनएक्सपेक्टेड रहेगी, जो कि अचानक से रहेगी, ओके? हो सकता है यहाँ पर पाइल नंबर वन के लोगों ने ना उम्मीद छोड़ दी है कि ये हैप्पीनेस या फिर ये खुशी आपके दरवाजे पे आएगी, ओके? ये मैसेज मुझे मिला है, दैट मीन्स यस, आप लोग उम्मीद छोड़ चुके हो पाइल नंबर वन, ओके? और इसी के तहत मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इसी के तहत आपके लिए ये कार्ड निकला है कि आप बहुत ही जल्दी ये खुशी अनुभव करने वाले हो, या फिर ना महसूस करने वाले हो गाइज, ओके? कहीं ना कहीं जहाँ पर आपने उम्मीद खोई है ना, वही आपको ना दुगना मिलेगा यहाँ पर पाइल नंबर वन के लिए, ओके? तो उम्मीद का दामन आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी रहेंगे कि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, एक होप बना के रखी है कि यस, मेरे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, ओके? तो उनके लिए भी बहुत ही अप्रिशिएटेड है, उनके लिए भी यही कहना चाहूँगी कि जो वेट कर रहे हो, तो आपके लिए भी लिटरली वो खुशी आपके दरवाजे पे ज़रूर दस्तक देगी, एंड वो अनएक्सपेक्टेड रहेगा पाइल नंबर वन आपके लिए, ओके? तो चलिए देखते हैं, कार्ड से भी देखते हैं हम पाइल नंबर वन के लिए कि अनएक्सपेक्टेड क्या रहेगा यूनिवर्स इनके लाइफ में। प्लीज़ बताइए पाइल वन के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या रहेगा, पाइल वन के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या रहेगा, अचानक से क्या होगा। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है गाइस द मून, ओके? मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हिंट दी थी कि आपकी ज़िंदगी में ना वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, ओके? दूसरा कार्ड लेते हैं गाइस, इट्स जजमेंट। यू हैव नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स,
और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स. सो पाइल नंबर वन रिवर्स में रहे. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, लिटरली मैंने जिसे आपको शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे रहेंगे कि उम्मीद आपने छोड़ी है, या फिर कुछ ऐसे व्यूवर्स भी है कि अभी तक आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है. ओके, दैट्स वाई आपकी ज़िंदगी में ना आप जो खुशी चाहते हो वो आपके दरवाजे पे दस्तक देगी ही देगी, और वो भी अचानक से होगी पाइल नंबर वन. ओके, यहाँ पर बेसिकली मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप ना किसी डर में हो, किसी किसी ऐसे खौफ में हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ आने का नाम नहीं ले रही है, या फिर खुशी मुझे मिलेगी ही नहीं. ये आपका डर है. ओके, एक ऐसा कह सकती हो कि आपके जहन में कुछ ऐसे डर का माहौल हो सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं कि जिसके तहत आप इंटरनली बहुत चोट खाए हुए हो पाइल नंबर वन. ओके, जहाँ तक कि मुझे मैसेज मिल रहा है, यस ऐसे व्यूवर्स हो आप कि जहाँ पर बहुत ओवर इमोशनल सिचुएशन के लिए बैठे हो. ओके, एक हैप्पी फैमिली के लिए बैठे हो, या फिर एक ऐसे पर्सन के लिए बैठे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो और उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, आपकी ज़िंदगी में आने के लिए ना आप बहुत ओवर इमोशनल हो चुके हो. ओके, ओवर इमोशनल इसके वजह से कह रही हूँ बिकॉज आपके ज़िंदगी में ना जो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, या फिर जो नहीं मिल रहा है ना, उसके तहत लोग आपको सुनाते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे. ओके, बाहर के लोग तो मारते ही मारते हैं, साथ ही साथ ना आपके घर वाले भी, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके करीबी है ना, वो भी आपको ताना मारने में कम नहीं करते पाइल नंबर वन. ओके, यहाँ पर मैंने कहा कि हैप्पी फैमिली आपके दरवाजे पे दस्तक देगी, या फिर ऐसा एक स्पेसिफिक पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपकी लाइफ कंप्लीट कर देगा, और इसी के तहत हो सकता है आप इतने ओवर इमोशनल हो रहे हो, या फिर आप, या फिर ऐसा डर खाया जा रहा है आपको कि मेरे ज़िंदगी में जो मैं चाहती थी या चाहता था वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं. ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ना सिर्फ उम्मीद छोड़ी है, बट ना हो सकता है कि आप लोग ना मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हो पाइल नंबर वन. ओके, आपके आपके मन्नतें जारी है, आप यूनिवर्स को प्रेयर्स करते हो, आप हो सकता है आप लोग यहाँ पे स्पेल वर्क्स कर रहे हो. ओके, वाटर मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, तो मैनिफेस्टेशंस के ज़रिए काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, लेकिन आपके कुछ ना प्रेयर्स यहाँ पर मुझे सुनाई पड़ रहे हैं पाइल नंबर वन की. ओके, स्पेसिफिक आप अपने लाइफ में एक हैप्पी फैमिली ही चाहते हो पाइल नंबर वन, और वही आपकी ज़िंदगी में आने वाला है अचानक से. ओके, पाइल वन के जो मैंने व्यूवर्स का कहा कि मेजॉरिटी लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वही आपकी ज़िंदगी में आएगा गाइज. एंड कार्ड्स भी वैसे ही निकले हैं. ओके, मैं यहाँ पर कोई भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, ना कि आपके नेगेटिव एनर्जीज बता रही हूँ. ओके, यहाँ पर जैसे मुझे वाइब्रेशंस मिलती हैं, जैसे वाइब्स मिलती हैं, मैं वही आपको नरेट करती हूँ कार्ड्स के थ्रू. ओके, नो डाउट यहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन तो करते ही करते हो, साथ ही साथ ना आप खुद को भी हीलिंग देते हो पाइल नंबर वन, बिकॉज मैंने कहा कि आप इतने टूट चुके हो, आप ना नो डाउट उम्मीद तो लगा कर बैठे हो, बट ना कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं ना कि बातें बातें बनते बनते रह जाती हैं. दैट्स वाई आप ना थोड़े से डिसअपॉइंटेड कह सकती हूँ, नाराज़ हो कह सकती हूँ, खुद से ज़्यादा नाराज़ हो आप. ओके, भगवान से तो हुए हो, लेकिन ना खुद से बहुत ज़्यादा नाराज़ आप मुझे दिखते हो, या फिर होते हो. ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिलते हैं, या मिल रहे हैं गाइस आपके लिए. ठीक है, तो आपके ज़िंदगी में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो प्रेयर्स कर रहे हो, जो कैंडल रिचुअल्स कर रहे हो, जो भी रिचुअल्स आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो ना कहीं उसकी भरपाई आपको मिलने वाली है पाइल नंबर वन. ओके, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे भी व्यूअर्स हैं मेरे कि आप लोग ना बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हो, या आपका करियर स्ट्रीम रहेगा, आपका जॉब प्रोफेशन हो सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपकी लाइफ कंप्लीट कर देगा, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था. ओके, तो कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ही मच्योरली चीज़ें हैंडल करते हुए दिख रहे हो अपकमिंग डेज के लिए, जो कि अचानक रहेगा गाइस. आप में एक स्ट्रेंथ आने वाली है, दुनिया से लड़ने की एक क्षमता आने वाली है, जो कि जो लोग अभी आपको
ठुकरा रहे थे या फिर आपकी ज़िंदगी उन्होंने बदतर बना के रखी थी लोगों के ताने सुन सुन कर, ओके, या फिर लोगों की बातें सुन सुन कर, तो कहीं ना कहीं अभी आप मुझे ऐसे दिख रहे हो कि बहुत स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हो। और सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बल्कि ना आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, इंटरनली भी और मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो, ओके। एंड ये गाइज ना, ये जो एनर्जीज आपकी शिफ्ट होने वाली हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अचानक से होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पाइल नंबर वन, ओके। बिकॉज अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर दी मून का कार्ड है और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स ये बता रहा है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, किसके बलबूते पे, बिकॉज ऑफ योर वेटिंग पीरियड एंड बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस, ओके। सो जो आप वेटिंग पीरियड देख रहे हो या फिर आपकी ज़िंदगी में जो आप मायूस बन के खड़े हो कि कब मेरी तरफ ये खुशियाँ आएंगी, कब मेरी तरफ ये हैप्पीनेस आएंगी, जिसके लिए मैं इतनी मशक्कत कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इतने प्रेयर्स कर रही हूँ, मन्नतें मांग रही हूँ, तो जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे मुकाम पर जाओगे ना पाइल नंबर वन कि जहाँ से आपको कोई छू भी नहीं सकता है, ओके। आप बहुत ही सक्सेस कमाओगे, ओके। वो प्रोफेशनल बेसिस पर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ना आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत बहुत सारे खुशियाँ बटोरने वाले हों, ठीक है। एक तरीके से मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाली है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वरी नहीं करना है, और आप जो इंतज़ार कर रहे हो ना, उसका फल तो आपको ज़रूर मिलेगा पाइल नंबर वन, ओके। सो ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा, आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ना मुझे ऐसी बयां पड़ रही है कि आपके ज़िंदगी में बहुत ऐसे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एटमॉस्फेयर से आप घिरे हुए हो। ये नेगेटिव लोग सिर्फ बाहर के भी नहीं है गाइज, ये अंदर के भी हैं, ओके। आपके फैमिली मेम्बर्स भी रहेंगे, आपके अंदर की निगेटिविटी भी रहेगी कि बार बार आपको ना आगे बढ़ने से रोक रही है, ओके। कहीं ना कहीं आप ऐसे एनर्जी में रहते हो कि बार बार आप सोचते हो कि मेरे ज़िंदगी में क्या ऐसा गलत हुआ है कि मेरी तरफ कोई खुशियाँ ही नहीं आ रही है। तो ये आपकी सोच है गाइज, ओके। डेफिनेटली आप बहुत ऊँचाई तक जाते हो मुझे दिख रहे हो, और आप सारी और आप अपने लाइफ में ना बहुत हैप्पीनेस देखने वाले हो आगे जाके, ठीक है। ना सिर्फ आप अपने आप को खुश करोगे बट अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खुश होता हुआ देखोगे, ओके। कहीं ना कहीं आपकी जो एक पास की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, कि बार बार आप ना पास को डिग करते हो, बार बार पास को ना कुरेदते हो, तो पास को आपको छोड़ देना है, कुछ चीज़ें ना आपको रिलीज करना है, तभी जाके अगर आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में आप बहुत कामयाबी देखोगे या फिर ऐसा एक सच्चा पार्टनर देखोगे ना कि वो आपकी लाइफ कंप्लीट कर देगा। लेकिन कुछ व्यूवर्स रहेंगे यहाँ पर कि आप अपने पास को पकड़ के बैठे हो या फिर उसको रिलीज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो स्पेशल मैसेज पाइल वन के लिए रहेगा, कुछ व्यूवर्स के लिए रहेगा कि आपको अपना पास रिलीज करना है, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में ऐसा पार्टनर आएगा जो आपको कंप्लीट करता है, ठीक है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके लाइफ में पास्ट है, ओके। मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, ये ओवरऑल लोगों के लिए है, ओके। तो कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि पास्ट प्रोफेशन रहेगा, पास्ट करियर हो सकता है, पास्ट बिजनेस हो सकता है, पास्ट कोई टॉक्सिक पर्सन रहेगा, ओके। तो वो चीज़ें अभी भी आपके जहन में है, दैट्स वाई आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कुछ व्यूवर्स हैं यहाँ पर, ओके। दैट्स वाई ये मैसेज मुझे मिला है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको उस पास्ट टॉक्सिक लोगों को रिलीज करना है आपकी ज़िंदगी में, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में खुशहाल परिवार आएगा, हैप्पी फैमिली आएगी या फिर हैप्पी फैमिली आपको मिलेगी, ओके। तो अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आते हुए मुझे दिख रही है पाइल नंबर वन के लिए। बट मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपको भी काम करनी है, आपको भी उस पर काम करना है, दैट मीन्स कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करना है जो आपके लिए बेहतर नहीं है, जो आपके लिए टॉक्सिक रह सकता है या फिर आपको तकलीफ़ देता है, ठीक है। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी है पाइल नंबर वन के लिए। सो अनएक्सपेक्टेडली गाइज आपके ज़िंदगी में आपकी तरफ ऐसे खुशियाँ आने वाली हैं जहाँ पर आप अभी भी होप लगाकर बैठे हो या फिर आपने उम्मीद छोड़ा है कि ये खुशियाँ मेरे तरफ आएगी, फिर भी ये खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देगी पाइल नंबर वन।
ठीक है, सो इसी के चलते ये रीडिंग एंड करती हूँ पाइल नंबर वन के लिए। आई होप गाइज ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। हेलो माय पाइल नंबर टू पीपल, तो अगर आपने पाइल टू चूज करी है गाइज, अगर आपके नेम के इनिशियल पाइल नंबर टू में आते हैं, तो चलिए गाइज देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड अचानक से आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है अपकमिंग डेज के लिए। ओके, और यहाँ पे रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने एक कार्ड शफल करके रखी थी पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू के लिए। ओके, तो यहाँ से हम एनर्जी ओरेकल से भी देखेंगे कि ये थीम कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है अचानक से, या फिर अचानक क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो यहाँ पर हम कार्ड रिवील करते हैं पाइल नंबर टू के लिए। वाओ, इट्स हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है आपके लिए पाइल नंबर टू के लिए कि आप अपने लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर वन, सॉरी पाइल नंबर टू। ओके, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आप लंबे अरसे से ना खुद को हीलिंग दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जीज को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज अभी आपके ज़िंदगी में हो सकता है, अभी भी नहीं बट लंबे अरसे से हो सकता है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हो पाइल नंबर टू। ओके, और ये उतार चढ़ाव आपके ज़िंदगी के कई सारे मामलों में हो सकता है, कोई भी सिचुएशन के लिए हो सकता है कि जहाँ पर आप लंबे टाइम से खुद को हीलिंग दे रहे हो एक तरह से। ओके, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना यहाँ पर कुछ ऐसे भी रिवर्स रहेंगे कि आप दूसरों को भी हील करने की कोशिश करते हो, या फिर ना यहाँ पे ऐसे रिवर्स रहेंगे कि आप रीकी हीलर्स हो, अकल साइंस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो। ओके, यहाँ पे ऐसे भी रिवर्स रहेंगे कि आपके मन में ना हर एक लोगों के लिए दया भावना बहुत जल्दी उमड़ कर आती है पाइल नंबर टू। ओके, वो जानवर हो सकता है या फिर राह चलता हुआ कोई भी पर्सन हो सकता है, स्ट्रीट डॉग्स हो सकते हैं, कैट हो सकते हैं, तो किसी भी पर्सन के लिए आपके दिल में ना इमोशनल फीलिंग्स बहुत जल्दी उमड़ते हैं पाइल नंबर टू। ओके, लेकिन अभी खुद की बात आती है या फिर आपके बारे में बात आती है ना पाइल नंबर टू, तो आप कंप्लीटली टूट जाते हो। ओके, आप दूसरों को तो हीलिंग दे सकते हो, या फिर आप में इतनी क्षमता है कि आप दूसरों को हीलिंग तो करते हो, देते हो, लेकिन ना खुद की बारी आती है तो आप टूट जाते हो। ओके, ऐसे कुछ मैसेजेस मुझे पाइल टू के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं पाइल टू वालों की अगर मैं बात करूँ ना, अचानक से आपका हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा ये एक्टिवेट होने वाला है। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे भी रिवर्स रहेंगे कि आप लोगों ने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया है। ओके, या फिर आपको रियलाइज़ हुआ रहेगा कि यार मैं सबकी मदद करती हूँ लेकिन मेरी जब बारी आती है तो मैं टूट क्यों जाती हूँ या बिखर क्यों जाती हूँ, तो आपके सवालात रहेंगे पाइल नंबर टू। ओके, तो आप ये भी पूछते रहेंगे यूनिवर्स से कि गॉड मैं सबकी मदद करती हूँ, सबके बारे में सोचती हूँ लेकिन मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता है, या फिर मेरे बारे में कोई क्यों नहीं ख्याल करता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके सवालात रहेंगे, कुछ व्यूवर्स रहेंगे गाइज, मैं सभी व्यूवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक लोगों के लिए, हर एक व्यूवर्स के लिए अलग अलग मैसेज रहेगा, तो आपसे जैसे रेजोनेट होता है गाइज वही आपको लेना है यहाँ पर। ठीक है, सो ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आप जिस वजह से खुद को हीलिंग दे रहे हो या दूसरों को हीलिंग कर रहे हो या फिर दूसरों को हील कर रहे हो, हीलिंग दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हो दूसरों के लिए उससे दुगना आपको मिलेगा पाइल नंबर टू, और ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपके लिए। ओके, नो डाउट अभी आप थोड़े से साइलेंट हो गए हो, काम हो गए हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है यूनिवर्स ने, लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप जितना दूसरों को कर रहे हो ना उससे कई ज़्यादा आपको मिलेगा पाइल नंबर टू। ओके, तो अगर आपने दूसरों के बारे में सोचा है या फिर दूसरों को खाना खिलाया है या फिर दूसरों के तकलीफ में अगर आप पहुंचे हो, नो डाउट अभी आपको नहीं मिल रहा है या फिर आप लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे खुशियां यूनिवर्स आपके झोली में डालने वाले हैं। ओके, आपके प्रेयर्स शुरू है, आपके आप जाने अनजाने ही सही पाइल नंबर टू
आपकी ना मैनिफेस्टेशन हो जाती है, ओके, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी भी होती है, ओके. बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स रहेंगे कि आप जो मन ही मन कुछ मांगते हो ना, वो आपकी पूरी हो जाती है, ओके. ऐसे है यहाँ पर व्यूवर्स, जहाँ तक मुझे ये मैसेज मिला है यूनिवर्स की तरफ से, यस, आप लोग है यहाँ पर कि आप ना सिंपल कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो या फिर कुछ भी मांगते हो ना, आपकी झट से यूनिवर्स पूरी कर देते वो इच्छा, ओके. तो यहाँ पर यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप जो प्रेयर्स कर रहे हो वो डेफिनेटली आपकी झोली में यूनिवर्स डालने वाले हैं, एंड वो भी अचानक से रहेगा, अनएक्सपेक्टेड रहेगा, आपने सोचा नहीं होगा, ओके, कि ये मुझे मिलेगा. यहाँ पे ऐसे भी व्यूवर्स हो सकते हैं कि आप दूसरों के लिए मदद करते हो लेकिन आप उम्मीद नहीं करते हो किसी से, या फिर ना किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ठीक है. सो यस, आपके लिए भी आपने जो सोचा नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा पाइल नंबर टू, ओके. वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी मामले में हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी झोली यूनिवर्स खाली नहीं रखेंगे, ओके, वो दुगना भरेंगे, दुगना, ओके. जितना आपका यहाँ पे वेटिंग पीरियड रहेगा या फिर लंबे टाइम से अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आपका वेटिंग पीरियड यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा. पाइल नंबर टू, ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, ना कि मेरे मैसेजेस हैं, ठीक है. सो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आप लंबे टाइम से जो खुद को हीलिंग दे रहे हो या फिर दूसरों को हीलिंग दे रहे हो, वो वेस्ट नहीं होगा. और कहीं ना कहीं आप जो दूसरों के लिए मदद कर रहे हो, जो दूसरों के लिए दूसरों के बारे में सोचते हो, और आपका आपके बारे में सोचने के लिए यूनिवर्स है, ओके. आप कभी भी खुद को अकेला ना समझिए, पाइल नंबर टू, ओके. आप हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत कामयाबी चाहते हो, बहुत सक्सेस चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में सब कुछ पाना चाहते हो, ओके. आपका अच्छा करियर हो सकता है, आपका अच्छा जॉब हो सकता है, लेकिन कुछ ना हमारे ज़िंदगी में फ्लॉज रहते हैं गाइस, ओके. मतलब हमारी ज़िंदगी ना पूरी नहीं रहती, कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने हमारे ज़िंदगी में ना फ्लॉज रखे हैं या फिर कमियां रखी हैं. तो वही कमियां भरने के लिए या फिर ना वही कमियां पूरी होने के लिए आपकी ना लड़ाई, आपकी लड़ाई जारी है या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो, पाइल नंबर टू, ठीक है. वो आपके लाइफ के किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है, ओके. दैट्स वाई अभी मुझे पाइल नंबर टू के लिए दिख रहा है कि आप ना गुड कर्माज बहुत कर रहे हो, ओके. नो डाउट अभी आपकी झोली खाली हो सकती है, लेकिन अचानक से आपके ज़िंदगी में यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें भरने वाले हैं जो आपने सोचा नहीं होगा गाइस, ओके. एंड ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा, अचानक ही रहेगा आपके लिए, ठीक है. सो यहाँ से टैरो से भी देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड अचानक से ज़िंदगी में क्या आएगा अपकमिंग डेज के लिए फॉर पाइल नंबर टू पीपल. सो यहाँ पर है डेथ कार्ड. Then you have tower. Six of wands. And yahan par hai six of cups. Okay. So pile number two. Specifically mujhe aapke liye message mil raha hai ki aapke liye na 666 ये नंबर बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं, ओके. या फिर ना आगे जाके आपको ना 666666 ऐसे नंबर्स बहुत दिखने लगेंगे, ओके. एक तरीके से मैं कह सकती हूँ पाइल नंबर टू की ज़िंदगी में ना बहुत अबंडेंस आने वाली है, ओके. जहाँ पर सिक्स रहता है, ओके, या फिर सिक्स दिखाई देते हैं, या फिर ना हमें कुछ सिक्स की इंडिकेशन होती है, जहाँ पर सिक्स आता है तो हमारे लाइफ में लग्जरी मिलती है, रिलेशनशिप्स मिलते हैं, स्पेसिफिक पार्टनर मिलता है, या फिर हमारा रिलेशनशिप में अगर उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपकी रिलेशनशिप लाइन पे आती है, पटरी पे आती है, ठीक है. तो पाइल नंबर टू के लिए मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत अबंडेंस आप देखने वाले हो, वो भी अनएक्सपेक्टेड रहेगा, ओके. अभी आपके लाइफ में भले ही आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर कोशिश कर रहे हो, खुद को हीलिंग दे रहे हो, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था, पाइल नंबर टू, ओके. तो डेफिनेटली मुझे यही मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर टू के लिए कि आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करने वाले हो, पाइल नंबर टू. अभी जाके अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में ना कुछ भी कमी
नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी कमी आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी आगे जाके, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत तकलीफ ऑलरेडी देख चुके हो, अभी भी आप अपनी ज़िंदगी में तकलीफ देख सॉरी गाइस कैमरा थोड़ा सा हिल गया, अभी भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ देख रहे हो। पाइल नंबर टू, एक तरह से हार्डशिप आप देख रहे हो। आपके करियर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, आपके मैरिज नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हो। एक तरीके से रोलर कोस्टर आप देख रहे हो पाइल नंबर टू, ओके। और आपकी जो ये लड़ाई है या फिर आपकी जो स्ट्रगल है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है पाइल नंबर टू, ओके। दैट्स वाई मैंने आपको कहा, दैट्स वाई ये कार्ड आपके लिए निकला था, हीलर ऑफ द एजेस। दैट्स वाई आप एजेस मतलब कई लंबे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से खुद को हीलिंग दे रहे हो, और अपना इसके साथ साथ ना गुड कर्मा भी कर रहे हो, सो दैट आपको रियलाइज होगा हुआ होगा कि अगर मैं अच्छा कर्मा कर तो कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में अच्छा होगा, ओके। दैट्स वाई आप खुद को भी हीलिंग देते हो और दूसरों को भी हीलिंग देने का काम कर रहे हो पाइल नंबर टू, ओके। क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो। अगर आप देखो ना गाइस, यहाँ पे दोनों कार्ड जो है मेजर रखना है, जो कि आपके लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स पे नज़र डाल रहे हैं, या फिर मेजर एस्पेक्ट्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, ऐसे मैसेज मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हो। एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ना ऐसा झटका आपको दिया है ये यूनिवर्स ने, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आपके पास्ट कर्मा ने आपको ऐसा झटका दिया है कि आप पूरी तरीके से ना नींद से उठ गए हो, ओके। नींद से उठ गए हो पाइल नंबर टू, ओके। कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में ऐसे एक ठोकर लगी है, वो किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकती है पाइल नंबर टू यहाँ पर, ओके। आपकी लाइफ है, आपको आप मुझसे बेहतर जानते हो, आपकी लाइफ में आप क्या झटका देख चुके हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में क्या सैलाब आया है, ओके। आप मुझसे बेहतर जानते हो, ठीक है। सो जहाँ पर आप अपने हार्डशिप देख रहे हो ज़िंदगी में, ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन कह सकती हो, जो आप दूसरों को मदद कह रहे हो कह सकती हो, तो उसी के चलते आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आप आगे जाके देखने वाले हो, और ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा गाइस, ओके। नो डाउट अभी आपकी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं है आपको कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में आएंगी, ओके। डेफिनेटली यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 6-6 आया है, 6-6 आया है, यहाँ पर और एक 6 है गाइस, 5+1 6 है, 6-6 है। दैट मीन्स आपकी ज़िंदगी में आप बहुत अबंडेंस देखोगे, लग्जरियस लाइफ देखोगे, आपकी रिलेशनशिप भी बेहतर होते हुए मुझे दिख रही है, और ये अनएक्सपेक्टेड रहेगी। नो डाउट आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो आपके रिलेशनशिप में सुधार लाने के लिए, आपकी तरफ एक ऐसा पर्सन आने के लिए, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए, ये आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन ना जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है पाइल नंबर टू। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, अनएक्सपेक्टेडली आप जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हो पाइल नंबर टू, वो डेफिनेटली आपके दरवाजे पे आएगा, बिकॉज यहाँ पे 6 of Cups भी है, 6 of Wands भी हैं। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर टू के लिए कि आपकी ना आपकी तरफ ऐसा प्रपोजल आएगा, ऐसा रिश्ता आएगा जो आपका सोलमेट ही रहेगा, या फिर आपका डेस्टाइन पार्टनर ही रहेगा, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा भी मैसेज मिल रहा है मुझे यूनिवर्स की तरफ से कि यस, आपकी ना मैरिज भी होने के चांसेस हैं। अनएक्सपेक्टेड रहेगा गाइस, मैं वापस बोल रही हूँ, ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा, ओके। आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसे जल्दी जल्दी में कोई पर्सन आता है, कोई शादी करके लेकर जाता है मुझे, या फिर शादी करके मेरी ज़िंदगी बसर हो जाती है या बस जाती है, ओके। तो ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा पाइल नंबर टू के लिए, बिकॉज 6 of Wands and 6 of Cups हैं, ओके। तो मैंने जैसे कहा कि आप बहुत ही जल्दी आपके सोलमेट से मिलने वाले हो, या फिर आपके डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हो, ना सिर्फ मिलोगे बट मुझे यहाँ पे इंगेजमेंट भी होते हुए दिख रही है और शादी भी होते हुए दिख रही है, ओके। कहीं ना कहीं आप अपने करियर प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल होते हुए भी मुझे दिख रहे हो पाइल नंबर टू, ओके। एक तरीके से आप ना अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में जीत हासिल कर लोगे,
और जो ये स्ट्रगल का आपका फेज चल रहा है ना, ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे डेथ कार्ड है। डेथ ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ओके, सो जो स्ट्रगल आप देख रहे हो अभी तक, तो वो बहुत ही जल्दी खत्म होगी, और उसी के चलते आप अपनी जिंदगी में अपना अपना एक डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल को पाने वाले हो। ओके, पाइल नंबर टू, यहाँ पे कोई भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ गाइस, जैसे कार्ड्स है मैं वही आपको बयां कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, कहीं ना कहीं डेथ के साथ आपकी जर्नी शुरू हुई है और ख़त्म होगी सिक्स ऑफ वॉन्स से। ओके, कहीं ना कहीं आपका जो हार्डशिप चल रहा था, ये ख़त्म होके अभी आप सक्सेस एंड विक्ट्री की तरफ जाने वाले हो। ओके, सो जो आप स्ट्रगल देख रहे हो, जो तकलीफ से आप गुजर रहे हो, डेफिनेटली उस तकलीफ को यूनिवर्स का प्यार ज़रूर मिलेगा आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में ख्याल करते हैं, एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स के प्यार के चलते ही आपके ज़िंदगी में आप बहुत सक्सेस कमाओगे, पाइल नंबर टू। ओके, बशर्ते यही है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। ओके, बशर्ते मैं कह रही हूँ, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड की रीडिंग पॉजिटिव रहती है, लेकिन ना हम इंसानों के एनर्जीज चेंज होती हैं, पाइल नंबर टू। ओके, तो आपको एनर्जी अपनी चेंज नहीं करनी है, जो आप एनर्जी में हो वही एनर्जी आपको रखनी है। ओके, कायम रखनी है। ओके, एनर्जीज आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, या फिर ना इधर उधर नहीं होना है। ओके, हमेशा एक ही पॉइंट पे आपको कायम रखना है कि हाँ मुझे ये मिलेगा। ओके, पॉजिटिव रहना है, हाँ मुझे ये मिल जाएगा, भले ही मेरे लाइफ में अभी अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन आगे जाके मुझे मिलेगा। तो ऐसे अगर आप पॉजिटिव रहते हो ना गाइज, आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैंने कहा कि यूनिवर्स का ही ये प्यार रहेगा कि वो आपकी तकलीफ देख रहे हैं कि आप किस सैलाब से गुजर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में एक टॉ मोमेंट से आप गुजर रहे हो, तो उसी के प्यार के चलते, यूनिवर्स डिवाइन के प्यार के चलते ही आपको यूनिवर्स बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। ओके, वो आपके पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में दोनों भी तरफ से यूनिवर्स आपको ऊंचाई तक लेकर जाने वाले हैं, पाइल नंबर टू। आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, और आपके ज़िंदगी में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो, पाइल नंबर टू। ओके, और जब ट्रांसफॉर्मेशन फेज चलता है ना गाइस, दैट्स वाई हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होती रहती हैं, ठीक है। और डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसे ऑफर्स लेकर आएंगे, या फिर ऐसे एक मोड लेकर आएंगे कि जहाँ पर आप खुद दूसरों का सामना करोगे, मुश्किलात का सामना करोगे, पाइल नंबर टू। इतने यूनिवर्स आपको सक्षम बनाने वाले हैं, यूनिवर्स आपके लाइफ में ना बहुत न्यू चीज़ें लेकर आने वाले हैं, पाइल नंबर टू। और आप ना बहुत नए सिरे से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, पाइल नंबर टू, आगे जाके। ओके, और ये अनएक्सपेक्टेड रहेगी आपके लिए, आपने सोचा नहीं होगा कि आपके ज़िंदगी में ये क्लैरिटी, आपके लाइफ में ये चीज़ें यूनिवर्स क्लियर कर देंगे। ओके, ये सोचा नहीं होगा। कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स ये भी बता रहा है कि आप इतने सक्सेसफुल होंगे, या फिर इतने ग्रोथ करने वाले हो ना आगे जाके, कि आप खुद अचंभे में पड़ जाओगे, फिर चौंकने वाले हो कि ये मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या आ गया। ओके, ये टर्निंग पॉइंट ही रहेगा आपके ज़िंदगी में, कि इतने मुश्किलात की घड़ी में भी अनएक्सपेक्टेडली यूनिवर्स आपको आगे लेकर जाने वाले। पाइल नंबर टू के लिए मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है आपके लिए, कि यहाँ पर ना आपके लाइफ में कोई ना ऑनलाइन प्रपोजल आपको कर सकता है, ऑनलाइन थ्रू कोई प्रपोज कर सकता है पाइल नंबर टू के लिए, क्योंकि मैंने कहा आप बहुत ही जल्दी आपके सोलमेट से मिलने वाले हो, तो ये ऑनलाइन के थ्रू कोई प्रपोज कर सकता है, या फिर कोई आपको इंटरेस्ट दिखा सकता है। ओके, ये स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए, जो कि अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपके लिए। नो डाउट आप उससे सिर्फ एक फ्रेंड्स के जरिए बात कर रहे हो, बट ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर दे सकता है, ये मैरिज का भी ऑफर हो सकता है, पाइल नंबर टू आपके लिए। ओके, तो आपको सिर्फ गौर करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल रहेगा आपके लिए, जो कि आपको शॉक करेगा, या फिर आपको पता नहीं होगा कि ये पर्सन मुझे इंटरेस्ट दिखाएगा।
ओके तो ये स्पेसिफिक मैसेज था आपके लिए पाइल नंबर टू। तो अभी तक आप जितना कोशिश कर रहे थे, जितना हार्डशिप कर रहे थे अपने ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं उस हार्डशिप का ही फल है कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। एक तरीके से मैंने जैसे कहा था कि आपकी ज़िंदगी में आप विक्ट्री विक्ट्री पाने वाले हो, एक जीत हासिल करने वाले हो। अगेन मैंने रिपीट वर्ड किया है, जीत हासिल करने वाले हो, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है आपके जहन में। ओके ये रिपीटेटिव क्यों होता है? बिकॉज़ ये आपके लिए एक स्पेसिफिक अंडरलाइन मैसेजेस रहते हैं पाइल नंबर टू। ओके क्योंकि कोई है, कुछ कुछ व्यूवर्स को ये भी तकलीफ होती है कि बार बार मैं रिपीटेटिव वर्ड्स करती हूँ या फिर बताती हूँ। ओके तो रिपीटेटिव वर्ड इसके लिए बोला सो दैट ये आपके जहन में अंडरलाइंड हो जाए, ठीक है पाइल नंबर टू। तो डेफिनेटली आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको वरी नहीं करना है, और आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इनके लिए इतना किया, उनके लिए उतना किया, मुझे यूनिवर्स ने क्यों क्या किया या फिर क्या दिया। डेफिनेटली यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं, दैट्स वाई इसी रीडिंग के जरिए आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि जितने आपने वेटिंग पीरियड देखा है अब तक, जितना आपने लोगों को दिया है उससे कई ज़्यादा आपको मिलेगा पाइल नंबर टू, और ये भी अनएक्सपेक्टेड रहेगा, अचानक से आपको मिलने वाला है। ओके सो इसी के चलते मैं रीडिंग एंड करती हूँ पाइल टू। आई होप गाइस ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।